जय श्री कृष्णा। मैं हूँ भारती शर्मा फ्रॉम ब्रजास कीर्तन बहन एंड गोपाल गौ सेवा सोसाइटी। आइए सुनते हैं आज का एकादशी व्रत। 2 जून को निर्जला एकादशी व्रत है, जाने इस व्रत का धार्मिक महत्व। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार ये तिथि 2 जून को पड़ रही है। इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए रखा जाता है। व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है। व्रत करने वालों को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन के साथ इस व्रत को करता है उसे समस्त एकादशी व्रत के मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। व्रत के साथ साथ इस दिन दान देने का भी कार्य किया जाता है। दान करने वाले व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। कलश दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को सुखी जीवन और दीर्घायु प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारंभ 2:57 दोपहर 1 जून, एकादशी तिथि समाप्त 12:04 दोपहर 2 जून, पारण मुहूर्त 5:23 सुबह से 8:08 तक 3 जून। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। निर्जला एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जल व्रत करो। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। तब भीम ने वेद व्यास जी की आज्ञा का पालन कर निर्जला एकादशी का व्रत किया था। आप भी ये एकादशी का व्रत कीजिए और आपका व्रत सफल हो, यही हमारे शुभकामना है। तो आगे आने वाली एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली एकादशियों की कथा सुन सकें। अपने आज ही भारती शर्मा को इजाज़त दीजिए। आज ही भारती शर्मा, इसके साथ ही अगली एकादशी व्रत कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।